हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज के इस सेशन में हम जानेंगे आपके शरीर में ऐसे कौन से सिम्टम नज़र आते हैं अगर आपका लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता। यानी जिन लोगों का लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से लक्षण नज़र आते हैं। हम इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो ये लक्षण आप सभी को पता होने चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अल्कोहल, टोबैको, एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बॉडी के अंदर टॉक्सिन की मात्रा बहुत होती है, जिसकी वजह से उनका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है। तो इन लक्षणों को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और इसे एक पेपर में नोट डाउन करना चाहिए, ताकि कभी भी किसी को भी ऐसे लक्षण नज़र आए तो आपको उसी समय से अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए अपने डिस्कशन की स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। देखिए, लीवर आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है और बहुत सारे फंक्शन करता है। अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने लगेगी और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। इसलिए आपके लीवर का हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आपको अपनी बॉडी के अंदर इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए, आपको उसी टाइम से अलर्ट हो जाना चाहिए और ऐसी चीज़ों को लेना शुरू कर देना चाहिए जिससे आपका लीवर अच्छे से वर्क कर पाए। वीडियो के लास्ट में हम 2-3 सुपर फूड के बारे में भी जानेंगे, जो आपके लीवर को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इन लक्षणों को जानना होगा। तो चलिए एक एक करके लक्षणों पर बात करते हैं। नंबर 1, जब भी आपका लीवर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, यानी आपकी एपेटाइट वीक हो जाएगी। आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपका लीवर प्रॉपरली बाइल जूस को सिक्रेट नहीं कर पा रहा। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे सके। इसके अलावा जब जब आपके लीवर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती है, यानी आप लोग ऐसी अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं या फिर एलोपैथी मेडिसिन का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर डैमेज होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। यानी आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, जो बताता है कि आपका लीवर आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि इन दोनों का ही काम होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर करने का। और जब यही दोनों प्रॉपरली वर्क नहीं करते, तो आपको स्किन से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगती है। इस कंडीशन में आपको उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ये आपकी किडनी के लिए भी अच्छा है, आपके लीवर के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा अगर किसी के पेट में अचानक से स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। आपको ऐसी किसी भी कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट सिम्टम जो आपकी बॉडी में नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, आपको चक्कर जैसी फीलिंग आ सकती है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंकल में स्वेलिंग आ सकती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी नींद अच्छी नहीं रहती। ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इस कंडीशन में भी आपको अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ऐसी डाइट को लेना है जिससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन बाहर हो सके। देखिए, डॉक्टर के पास तो आप लोगों को जाना ही चाहिए अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम नज़र आते हैं तो। लेकिन उसी के साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी फेरबदल करना होगा, क्योंकि डाइट आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर है। आपकी किसी भी प्रॉब्लम को 100% ठीक करने के लिए 70-80% रोल आपकी डाइट का होता है। अगर आप लोग हेल्दी डाइट लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डाइट लेते हैं, तो आपको शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कोई भी मेडिसिन लेने की, क्योंकि मेडिसिन का रोल सिर्फ 20-30% ही रहता है। बाकी काम आपकी बॉडी खुद करती है। तो आप डाइट के द्वारा अपनी बॉडी को मजबूत रखें, ताकि वो अपना काम सही से कर पाए। तो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे
अगर आपका लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम नज़र आते हैं? आपको नौजिया फीलिंग आ सकती है, वॉमिट हो सकती है। इसके अलावा आपके पेट की राइट साइड में आपको पेन हो सकता है, क्योंकि वहीं पर हमारा लीवर होता है। तो जब भी किसी को ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। इस कंडीशन में आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी। कई बार आपका लीवर डैमेज होता है और आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नज़र भी नहीं आते, तो आपको पहले से ही अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखना होगा ताकि आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहे। अगर आप लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलोपैथी दवाइयों का सेवन बहुत करते हैं, तो आपको इन सभी को रोकना चाहिए। आपको अपने मन से तो कभी भी एलोपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, अगर आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी मेडिसिन चल रही है, तो आपको इसे अपने मन से तो बिल्कुल भी नहीं रोकना है, जब तक आपके डॉक्टर आपको अलाउ ना करें। बाकी आपको अपने मन से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन सुपर फूड की जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये सुपर फूड ही अपने आप में दवाइयाँ हैं। नंबर वन, आपको भूमि आंवला का सेवन करना चाहिए। भूमि आंवला एक ऐसा पौधा है जो आपके लीवर के लिए अमृत माना जाता है। ये आपके लीवर की हीट को बैलेंस करेगा और लीवर में जितने भी टॉक्सिन हैं उसे ईजिली फ्लश आउट करेगा। इसके अलावा जो आपका लीवर डैमेज हो जाता है उसे ग्रेजुअली रिपेयर करेगा। तो आपको अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए भूमि आंवला का इस्तेमाल करना होगा। भूमि आंवला का पौधा आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा। आप इसके 5 से 10 पत्तों का काढ़ा बना कर लें। ये आपके लीवर को रिपेयर करने की बेस्ट मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में तो बरसों से किया जा रहा है। तो जब भी आपको लीवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर प्रॉब्लम ना भी हो, तो आपको हफ्ते में 1 से 2 बार इसका काढ़ा जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से ये आपके लीवर को मजबूत बनाएगा। सेकंड सुपर फूड है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी एक ऐसी औषधि है जो आपकी सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। आपको पता है, आप दिन भर में जितने भी मूवमेंट करते हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी की कोशिकाएँ टूटती हैं, और पुनर्नवा जैसी औषधि इन सेल को रिपेयर करके आप में दोबारा से एनर्जी को ऐड करती है। यानी इस तरीके की औषधियों का सेवन करने से आप लंबे समय तक जवाबी बने रहेंगे और आपका लीवर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये ना सिर्फ आपके लीवर के लिए अच्छी है, आपकी किडनी के लिए अच्छी है, आपके हार्ट के लिए अच्छी है। तो आपको इस औषधि का भी सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट सुपर फूड वो है जो आप लोगों के किचन में हमेशा रहता है, अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके लीवर की इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने की वजह से ये उसकी सफाई करेगा, उसे रिपेयर करेगा। तो आपको चाय की जगह पर अदरक के पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नींबू भी आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग सुबह के टाइम तो नींबू पानी लेते ही होंगे, अगर नहीं लेते हैं तो आप लोगों को लेना चाहिए। ये ना सिर्फ आपकी लीवर की सफाई करता है, बल्कि आपकी स्किन को ग्लोइंग और शाइनी बनाता है और आपकी पूरी बॉडी को साफ रखता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, सुबह के टाइम आप लोग नींबू, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, इन सब को डालकर एक काढ़ा बना लें, और चाय की जगह पर आपको इसे लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, आपकी पूरी बॉडी की सफाई भी हो जाएगी और आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा। इसके अलावा आप लोग सफ़ेद पेठे का अगर जूस नहीं लेते हैं तो आपको डेली लेना चाहिए। यह आपके लीवर की सफाई करने के साथ साथ आपको हमेशा हेल्दी रखेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है, यानी आपकी बॉडी की लड़ने की शक्ति बढ़ती है। बाकी आप लोग एल्कलाइन फूड को अपनी डाइट में शामिल करिए ताकि आपकी बॉडी का एसिड लेवल बैलेंस रहे। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.